हमारा नया किचन तैयार हो चुका है और मुझे भूख लगी है। और आप मेरे बाजू जो है ना वो थक गए हैं, मेरे भाई उठ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हम अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह पाक की पाक बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे व्यूवर को खुश रखे। इसी दुआ के साथ करते हैं आज के ज़बरदस्त व्लॉग का आगाज़। तो आज आपने हमारे साथ रहना है, आज है सरप्राइज़ डे। आज की वीडियो में आपको हम एक सरप्राइज़ दिखाने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। तो आपने हमारे साथ रहना है क्योंकि इतने दिन हमने जो है ना आपसे बात करके वीडियो नहीं बनाई, चुप करके वीडियो बनाई है, इसलिए कि हमने सोचा था कि हम अपने व्यूवर्स को सरप्राइज़ देंगे। तो फिर वक्त वो जो ना टाइम आ चुका है तो आपको सरप्राइज़ देने का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सरप्राइज़ ये था कि हम लोगों ने जो है ना, नहीं हम इस वक्त जो आप ये माहौल देख रहे हैं ना, ये वाला माहौल, ये हम अपने ही घर में हैं। ये अभी हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं ना, तो हम अपने ही घर में हैं। ये देखिए हमने एक बनाया है छोटा सा किचन। तो पहले हमारा वो था किचन, तो वो हमने इसको अभी फ़िलहाल ब्रेक कर दिया है। हमने छोटा सा यहाँ पे हमने सोचा कि यहाँ पे बनाते हैं किचन। तो ये देखिए माशाल्लाह से आपको इसका मुकम्मल विज़िट करवाते हैं। हाँ, और ये सीरत फातिमा जो है ना, हमारा किचन ठीक है। हाँ, तो छोटे से किचन का हम आपको करवाते हैं विज़िट, जिसमें जो है ना हमने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं। और बेगम साहिबा उसमें जो है ना पहली दफ़ा जो है ना खाना बना रही हैं, यानी कि ना हमारे नए किचन में। पहले तो हम यहाँ पे खाना बनाते थे, लेकिन नए किचन में अब आज हमारा जो है ना वो पहली सुबह है, नए किचन की पहली सुबह है। तो ये देखें, ये हमारा जो किचन हमने किस तरह बनाया है, मुकम्मल विज़िट आपको कराएँगे। तो आपने हमारे साथ रहना है। तो हमने जी ये बनाया छोटा सा किचन, ये बनाया इस तरह। ये पिलर दिए हैं हमने, ईंटें हमारे घर में पड़ी थी वो वाली पहले से मौजूद थी, तो हमने सोचा कि ये छोटा सा एक पिलर यहीं पे बना देते हैं। गर्मी सर्दी का तो वो जगह किसी और इस्तेमाल में लानी है, किस इस्तेमाल में लानी है वो इससे आगे जब इस्तेमाल में लाएंगे तो आपको हम वो भी बताएँगे कि हम वो जगह किस इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये हमारे पास जो लकड़ियाँ पड़ी थी ना पिछले दिनों में, हमने वो लकड़ियाँ वो आरएस की मदद से वो जो हमने इसका सामान निकलवाया था, तो वो बाले इसको बोलते हैं, बाले और तख्ते फटियाँ, ये हमने इसके ऊपर डालकर इसकी छत बनाई है जी। और ये देखें, क्योंकि हमने सोचा कि ईंटें मज़ीद टाइल वगैरह या टीयर वगैरह लेंगे तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, तो हमने सोचा कि ये जो हमारा सामान है ना ये पहले से मौजूद घर में पड़ा था, तो हमने उसी की मदद से ये आज ही जो है ना छोटा सा किचन बना दिया। आज ही क्या, ये तो बाबा जी बहुत कमाल का किचन हमारा बन गया है। ये हमारा जो गर्मियों का किचन था, अभी ये सर्दियों का बन गया है। हाँ, ये अब गर्मी सर्दी दोनों में इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे पास एक फ्लेक्स पड़ी थी टेलीनॉर वालों की, तो हमने ये सोचा कि इससे फ़ायदा उठाया जाए। ये ऊपर से हमने थोड़ा सा इसका जो है ना वो खुला छोड़ दिया ताकि धुआं वगैरह निकलता रहेगा, और नीचे इसकी हमारा जो तंदूर है ना वो भी नीचे आ गया है हमारे किचन के नीचे। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह का किचन आपने कभी नहीं देखा होगा, जिसमें तंदूर भी होगा और सर्दियों का किचन भी होगा, और सारा सिस्टम ये जो ना हमारा यहाँ पर आप एक स्लैब और डालेंगे एक या दो मज़ीद, तो ये हमारा शोकेस बन जाएगा छोटा सा बर्तन रखने वाला। इसका फायदा तो ये है ना, ये गर्मियों सर्दियों में दोनों में चलेगा। हाँ, दोनों में चलेगा। अभी ये लगाया सुबह सुबह ठंड की वजह से, और आपको दिखाना था, हमने सोचा कि अपने व्यूअर को हम दिखा कर उसके बाद जो है ना इसको हटा देंगे अब, क्योंकि माशाल्लाह ये देखिए काफ़ी ज़्यादा धूप निकल चुकी है। और इसके साथ आज के दिन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ है, ये देखिए ये कीकर जो है ना हमारा एक था, इसको हमने बिल्कुल गोंजला कर दिया है, ये बिल्कुल इसकी जो है ना कटाई कर दी है, ये साफ़ इसको कर दिया है। साथ ये जो हमारा कीकर यहाँ पे था ना, इसकी हमने ये इसको साफ कर दिया है। एक ये इन पौधों पे आता था इसका साया, तो ये पौधे जो है ना यहाँ हाँ, दूसरा इसका मसला ये था कि यहाँ पे ये लगा हुआ था और ये हमारे किचन को डिस्टर्ब करता था, जब ये इसने शाखें निकालनी थी सीधी किचन के नीचे चली जानी थी तो ये हमारे किचन को ख़राब करता था, धूप नहीं लगने नहीं देता था। और इसमें
हाँ ये मसला इसने ख़राब करना था, इसलिए हमने ये कीकर हटा दिया, क्योंकि अब इसका काम जो ना इसका इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा चलो कि ये इसकी कटाई करके ना इसको आरे की मदद से या खुद चीर कर इसको जो ना इसका बालन बनवा लेंगे, तो ये हमारी सर्दियों में काम आ जाएगा। हाँ अब इसकी बारी ये जाता जाता फिर भी ये फ़ायदा दे गया। हाँ और ये जो हमारा कीकर है ना इसकी जो छांग थी जो इसके ऊपर लकड़ियाँ थी वो ये महफूज तरीके से हमने कटाई करके ये सारा जो है ना ये देखें ये सेफ तरीके से इनके छोटे छोटे गड्ढे बनाकर हमने एक साइड पर। तो इतना जो है ना सामान इस्तेमाल करने के बाद फिर भी हमारा माशाल्लाह से ये देखें ये इतने बाले बच गए हैं। तख्ते जो थे ना वो सारे हमने इस्तेमाल कर लिए थे और जो बाले हमारे वो बच गए हैं। अब इसकी ओपनिंग करके आपको दिखाते हैं, ये आगे से हटा देते हैं, आपको दिखा दिया है, इसको हटाते हैं। अब ये देखिए अंदर तंदूर जल रहा है और ऊपर से खुला छोड़े का हमें फ़ायदा हो रहा है कि ये धुआं निकल रहा है क्योंकि अंदर इकट्ठा नहीं होगा। और ये देखिए हमने लाख इसके कैसे लगाए हैं ये शीट उतारने के लिए, इसमें हमने सुराख पहले से था तो हमने एक की लगाया है और ये रस्सी यहाँ पे लगा दी है और ये इसके जो ना जिसको बोलते हैं ना बटन इसके खोल दिए जा रहे हैं जी। ये देखें इस तरह इसको फोल्ड करेंगे और ये कील जो है ना ये यहाँ से निकल जाता है। ये देखें ये कील यहाँ पे जो है इसको निकाल देते हैं और ऐसे लगा दिया और आगे वाला जो है ना इसको भी ऐसे फोल्ड कर देंगे भाई इसी तरह से सारा। ये हमारी शीट जो ना फ्लेक्स है ना इसी तरह ये सारी फोल्ड हो जाएगी। तो ये देखें ये सारा इसी तरह ना फोल्ड करके ये नीचे हमने एक लगाई है इसके रस्सी और ये रस्सी की मदद से यहाँ पे इसको बांध देंगे। तो ये यहाँ पे हमारा जो है ना दरवाज़ा ये सेफ हो जाएगा। ये जो हमारे किचन की दीवारें हैं ना वो फोल्ड भी हो जाती हैं। हाँ ये जदी तरीके की दीवारें हमने रखी हैं। ये लो जी हो गई हैं और हमारा किचन जो है वो ओपन हो चुका है। हाँ ये देखे यहाँ पे अब इसको सेफ कर दिया गया है, जब इसको फिर जरूरत पड़ेगी फिर खोलेंगे तो और साइडों पे इसको लगा देंगे और हमारा किचन हो चुका है बिल्कुल ओपन, ये गर्मियों वाला किचन बन चुका है। तो फाइनली जो है ना अब इसकी लुक देखें, ये देखें नीचे तंदूर जल रहा है रोटियां बनाने के लिए सुबह का नाश्ता बनाना है और ये देखें धुआं कैसे जो है ना फराटे मार के बाहर निकल रहा है भी हमारे किचन से। ये अब गर्मियों वाला हमारा किचन बन गया है क्योंकि यहाँ से पहले धूप की रुकावट होती थी वो रुकावट भी ख़त्म हो गई है और अब धूप बहुत प्यारी और करारी करारी जो है ना हमारे किचन में लग रही है भाई। हाँ हाँ अब कितना मॉल का फर्क पड़ गया भाई छोटा। इसका हाँ जगह की बचत होगी, वो जगह हम और किसी इस्तेमाल में लाएंगे तो वो भी हमारे काम में आ जाएगी। तो अब वो अगले सरप्राइज में हम बताएंगे इंशाल्लाह। हमारे पौधों को यहाँ से जो माहौल है ना वो कुछ इस तरह महसूस हो रहा है कि साथ में ये बंदा हांडी रोटी करेगा और साथ में पौधों का माहौल बहुत ज़बरदस्त नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये दूसरी साइड पे कितना प्यारा माहौल नज़र आ रहा है, वो सामने पौधे हैं यहाँ पे बंदा हांडी रोटी करेगा और ये जहाँ पे जब चूल्हे पे बंदा बैठा होगा साथ में पौधे खुशबू आएगी प्यारी प्यारी और सब्ज़ा सब्ज़ा बहुत प्यारा कलरफुल जो है ना वो काम हो जाएगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो फाइनली जो है ना हमारा तंदूर वो तैयार हो चुका है और आप जो है इसकी बात करें ना पिलर की, ये पिलर हमने बनवाए थे मिस्त्री भाई से और ये ऊपर जो है ना टीप वगैरह हमने खुद की थी। ये हो गया ये हो गया, ये तीन पिलर जो है ना वो टीप हो चुके हैं और ये एक बेचारा रह गया, ये कल इसकी जो है ना आप हाथ पीछे करें ना वो भी देखने दे उन्हें। हाँ ये माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं और ये रह गए। हाँ एक रह गया है। तो कल हमने ये कीकर की कटाई शुरू कर दी थी इसलिए कल हमारा टाइम नहीं लगा। आज उम्मीद है इंशाल्लाह इसकी जो है ना हम इसकी तैयारी वगैरह कर देंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद जो है ना इसके ऊपर हम मिट्टी वगैरह डालकर इसको थोड़ा सा महफूज कर देंगे ताकि जब बारिश वगैरह आएगी इसके ऊपर छप्पर वगैरह ला कर वो मिट्टी डालेंगे। तो क्योंकि जब बारिश वगैरह आएगी या ज़्यादा सर्दी में धुंध जब पड़ती है तो वो पानी नीचे टपकेगा नहीं। तो ये
ये हमारा किचन जो है ना, वो जैसे पुराने जमाने के मकान नहीं हुआ करते थे लकड़ी के, वैसा बन गया। ये देखिए आप, आपको छत इस तरह नजर आएगी। ये देखें टोटल इसकी छत जो है ना वो लकड़ी की हो चुकी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। जो बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, जिनको हमारी आज की वीडियो पसंद है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।